हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मैनेजिंग सिस्को राउटर स्टार्टअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली ये 36 नंबर का वीडियो है मेरे इस सेगमेंट में, इस कोर्स का। तो इसके टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो रूट का बूट सिक्वेंस क्या है और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में इंटरनल कंपोनेंट क्या होते हैं सिस्को राउटर के। और इसके बाद में प्रोसेस क्या होता है लोकेटिंग के लिए, मतलब सिस्को जो ISO इमेज है उसको लोकेट करने के लिए। और कपल ऑफ चीज इसमें हम देखने जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनट में हाईलाइट कर लेता हूँ। राउटर पावर ऑन बूट सीक्वेंस, तो मतलब हम जब राउटर को बूट करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होती है, वहाँ पे क्या सीक्वेंस होता है। तो इसमें देखिए ऐसे छः सात सीक्वेंस होते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल, जैसे फिजिकल राउटर हमने, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ही इसको हमने ऑन किया है यहाँ पर, ये पावर के बटन ऑन करी, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर पोस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में लोड द रन बूट स्ट्रैप कोड, एक इसमें बूट स्ट्रैप कोड होता है वो लोड होता है, रन होता है, उसका भी अभी अगले स्लाइड में देखेंगे हम इसका पूरा डिटेल क्या है। फिर उसके बाद में सिस्को इमेज को ढूंढता है, सॉफ्टवेयर क्या है सिस्को का है या नहीं है करके। उसके बाद में फिर उसको लोड करता है, फिर जो हम कॉन्फ़िगरेशन उसमें सेव करके रखते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को ये ढूंढता है, फिर उसको लोड करता है, फिर उसके हिसाब से क्या है रन द कॉन्फिगर्ड सिस्को ISO इमेज सॉफ्टवेयर। तो जो हम कॉन्फिगर करके रखते हैं जो भी कॉन्फिगरेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे वो रन करता है, वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सीक्वेंस है, पावर ऑन बूट सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल कंपोनेंट क्या है राउटर के, राउटर में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखते हैं इस राउटर को भी, इस राउटर को, तो इसमें आप जाएंगे CLI मोड पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, कहने का मतलब। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद में उसका वर्जन दिखता है, उसका रिलीज़ दिखता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन लिखी आती है, ये हुआ प्रोसेसर और प्रोसेसर बोर्ड हुआ। उसके बाद में ये फास्ट इथरनेट वगैरह वगैरह इंटरफेस और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इसमें सिस्टम फ्लैश रीड राइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है और रिलीज सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख रही है। इसके बाद में तो सबसे पहला इसमें रैम होता है, ठीक है। रैम का काम क्या होता है, ये रीड राइट मेमोरी होती है, कंटेन्स द सॉफ्टवेयर एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ द राउटर टू फंक्शन। तो राउटर अभी यहाँ पे अगर मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है, तो जो कुछ यहाँ पे मैं अगर कुछ कर रहा हूँ करूँगा तो वो मेरे को रैम हेल्प करेगी उस पर, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी कमांड वगैरह रन करता हूँ तो रीड राइट मेमोरी होती है रैम। उसके बाद में दूसरा होता है रोम, इसको रोम क्या होता है देखिए, अभी ये बेसिकली द रोम कंटेन्स द रोम मोनिटर यूज फॉर राउटर रिकवरी। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक माइक्रो कोड फॉर बेसिक फंक्शन टू स्टार्ट एंड मेंटेन द राउटर। तो ये भी एक तरीके की क्या है, मेमोरी है ये भी, ओके, इंक्लूडिंग बूट स्ट्रैप एंड पोस्ट। तो ये इन चीज़ों को ये मेंटेन करता है, और जब हम राउटर को स्टार्ट करते हैं तो राउटर प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसका भी वहाँ पर रोल प्ले होता है। और रोम को बेसिकली रोमन भी बोलते हैं, और रोमन स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी मॉनिटर। इसको पासवर्ड रिकवरी के लिए कैसे यूज़ करते हैं अभी हम देखेंगे इसी स्लाइड पे। उसके बाद में अगला होता है फ्लैश, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये भी रीड राइट मेमोरी होती है, इस प्राइमरी यूज टू स्टोर द सिस्को ISO इमेजेस। तो जो सिस्को के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम राउटर पर इंस्टॉल करते हैं, तो वो इस फ्लैश मेमोरी में जाता है। सम राउटर रन द सिस्को ISO इमेज डायरेक्टली फ्रॉम फ्लैश मेमोरी एंड डू नॉट नीड टू ट्रांसफर इट टू रैम, ठीक है।
तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे हम एनवी रैम। ये भी रीड राइट मेमोरी है, इज मेनली यूज टू स्टोर सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एनवी रैम में जाती है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर किया इस राउटर पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने होस्ट नेम दे दिया, मैंने इसको होस्ट नेम दिया और तो कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाके और इसके बाद में प्रिविलेज इस पर जाके आप यहाँ पे होस्ट नेम की कमांड रन कीजिए और मैंने यहाँ पे मेरा नाम दे दी। इसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू आर की कमांड, यहाँ से बाहर निकल के एग्जिट करके डब्ल्यू आर की कमांड रन कर दिया तो ये सेव हो गया। तो सारा का सारा एन बी रैम में चला गया है, एन बी रैम में सेव हुआ है, ठीक है, इसका ये काम होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। ये तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज यूज टू कंट्रोल हाउ द राउटर बूट्स। तो राउटर को हम बूट अलग अलग बूट मोड पे भेज सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या है इसके कॉन्फ़िगरेशन नंबर चेंज करने पड़ते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज पार्ट ऑफ एन वी रैम, ठीक है, तो ये एन वी रैम का पार्ट है, तो इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद में इंटरफेस तो आपको पता ही है, इंटरफेस बेसिक चीज़ है, सीरियल इंटरफेस, फास्ट इंटरनेट इंटरफेस, CPU, प्रोसेसर, ये बेसिक चीज़ है, इसके कॉम्पोनेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब रोम के फंक्शंस देखेंगे। रोम का फंक्शन क्या होता है, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो रोम के बहुत सारे फंक्शन है, एक बूट स्ट्रैप हो गया, एक पोस्ट हो गया और वहाँ पे रोम मॉनिटर, और मैंने अभी बताया था कि ये कंटेंस माइक्रो कोड फॉर बेसिक फंक्शन, ठीक है, छोटे छोटे कोडिंग कोड वगैरह को ये कंटेन करते हैं। अब सपोज आप यहाँ पे बैठे हैं एक राउटर के सामने और आपने कंसोल ले लिया और चाहे आपने उस पर लॉग इन कर लिया, अब वहाँ पे आप सो वर्जन की कमांड रन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप एक एक करके देखिए बूट स्ट्रैप कोड क्या होता है। तो बूट स्ट्रैप कोड इज यूज टू ब्रिंग द राउटर अप, जैसे ही हम इसको पावर देते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो राउटर को ये अप करता है। इट रीड्स द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर टू डिटरमाइन हाउ टू बूट, और ये उसमें जो हम क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं जो रजिस्टर नंबर, उसको चेक करता है कि इसको बूट कैसे होना। देन ऑफ देन इफ इंस्ट्रक्टेड टू डू सो लोड द सिस्को सॉफ्ट सिस्को ISO इमेजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी ये वाले राउटर पे ऐसे जाके तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि इसमें कौन सा रजिस्टर कॉन्फ़िगर है इस पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं सो वर्जन करके, ठीक है। सो वर्जन की कमांड अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इस जीरो और एक्स 2102 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यही हम इसमें देखेंगे और इसको कैसे पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा है, इसको आप अलग अलग नंबर्स में चेंज कर सकते हैं और अलग अलग नंबर का अलग अलग रोल है, उस हिसाब से फिर सिस्टम आपका राउटर बूट होगा। उसके बाद में होता है पोस्ट, तो यही है कि पोस्ट इज द माइक्रो कोड यूज टू टेस्ट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द राउटर हार्डवेयर एंड डिटरमाइन विच कॉम्पोनेंट आर प्रेजेंट। उसके बाद में फिर नेक्स्ट होता है रोमन जैसे हम रीड ओनली मेमोरी मॉनिटर बोलते हैं, दिस इज लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ट्रबल शूटिंग एंड पासवर्ड रिकवरी। पासवर्ड रिकवरी के लिए ज़्यादा यूज होता है ये। इन रोमन मोड राउटर हैज नो राउटिंग और आईपी एड्रेस कैपेबिलिटीज, तो यहाँ पे हम राउटिंग वगैरह नहीं कर सकते इस मोड में। इसके बाद में देखिए हाउ अ डिवाइस लोकेट एंड लोड सिस्को ISO इमेज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, बड़ा ही सिंपल है इसको समझेंगे हम। देखिए फाइंडिंग द सिस्को ISO इमेज, तो आप यहाँ पे कंसोल ले लिया अपने अपने राउटर पे और सो वर्जन की कमांड रन करी और सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करी, तो आपको क्या है उससे, अभी मैंने दिखाया सो वर्जन की कमांड रन करके तो हमको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड अगर रन करेंगे तो एन वी रैम का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब ये जैसे कि मैंने अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसे लोड करेगा इमेज, देखिए फ्लैश इसको ISO इमेज सिग्नेचर, तो फ्लैश में ये सारी चीज़ें रहेंगी।
उसके बाद में सबसे पहले होगा क्या, चेक्स कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। तो सबसे पहले ये इस प्रोसेस में जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर उसको चेक करेगा। उसके बाद में पर्सिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर बूट सिस्टम कमांड, फिर ये बूट सिस्टम कमांड पे जाएगा, डिफॉल्ट टू फर्स्ट फाइल इन फ्लैश मेमोरी। तो ये सबसे पहले जो डिफॉल्ट जो मेमोरी रहेगी उसको चेक करता है कि क्या है क्या नहीं करके। फिर उसके बाद में अटेम्प्ट्स टू बूट फ्रॉम नेटवर्क सर्वर, तो डिफॉल्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन है मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी में, उसके हिसाब से बूट करेगा। वहाँ कुछ नहीं मिला तो नेटवर्क सर्वर पर जाएगा। उसके बाद में फिर बूट हेल्पर इमेज को ढूंढता है, उसको चेक करता है, फिर रोमन मोड पर जाएगा। तो ये इस तरीके से इमेज सिस्को आईएसओ इमेज को ढूंढने के लिए इतनी प्रोसेस होती है कि कहीं ना कहीं से इमेज तो मिले, उस हिसाब से फिर राउटर बूट होगा। उसके बाद में और इसको अगर हम देखें तो इसमें अब होगा क्या, आप यहाँ पे सो फ्लैश की अगर कमांड रन करते हैं तो ये फ्लैश, ये कंडीशन होती है कि ये जाके फिर फ्लैश से फिर रैम वगैरह में चेक करेगा कि क्या है क्या नहीं, या फिर हमको यहाँ पे दिखेगा बेसिकली कंसोल पे, सो फ्लैश मेमोरी इज लोडेड इनटू रैम, फिर ये रैम में चली जाएगी। नेक्स्ट होगा क्या इसमें, लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन। लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, लोड एंड एग्जीक्यूट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एनवीरैम। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एनवीरैम में ही सेव होगा और एनवीरैम से ही लोड होगा। इफ नो कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंटेड इन एनवीरैम, एंटर द सेटअप मोड। तो जब अगर अब यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है तो ये क्या है, सेटअप मोड पे चला जाता है। सेटअप मोड क्या होता है, मैं यहाँ पे दूसरा राउटर लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इसको बूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हमको ये इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा तो ये सेटअप मोड, सेटअप मोड मतलब ये आपको बताएगा कि आप क्या, ये सेटअप मोड होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आप क्या कॉन्फ़िगर विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, इस तरीके से हमको यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये बहुत सारी ऑप्शंस देगा कॉन्फ़िगर करने के लिए, वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप लाइक दैट। अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो ये फिर और भी सारी चीज़ें आएंगी कॉन्फ़िगर करने के लिए। और इसी को अगर आपने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम सेव किया था अभी, और इसको अगर हम अभी फिजिकल पे जाके पावर ऑफ करके फिर से रीलोड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहा। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हमको कॉन्फ़िगरेशन मोड नहीं आया, सेटअप मोड नहीं आया, डायरेक्ट हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो आ गया। जैसे कि इसको नाम दिया था मैंने, मेरा होस्ट नेम चेंज किया था यहाँ पे, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंसोल लेके सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड रन कर सकते हैं, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड रन कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर आप सो रनिंग ये वाले राउटर पे जाते हैं हम, सो रनिंग स्टार्टअप, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन कर रहे हैं तो हमने क्या कॉन्फ़िगर किया वो हमको दिखाएगा। जैसे कि एस ऑफ नाउ हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर ज़्यादा नहीं किया है होस्ट नेम के अलावा। यहाँ पे सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड भी आप रन कर सकते हैं, सो स्टार्टअप, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यही दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, इन रैम अगर आप सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड करते हैं तो करंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद में यूजिंग सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे दिखेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों में और ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। ये सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड, तो करंट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आया, ये दिख रहा है आपको। और इसके बाद में सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करेंगे तो क्या आएगा, फिर से एक बार रन ही कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है यूजिंग दिस मैच बेट करके और वगैरह वगैरह इतनी सारी चीज़ें। यहाँ से हमको करंट कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है, यहाँ से सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है एनवीरैम से। अगला कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे ही हम सो वर्जन की कमांड रन करेंगे हमको तो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी ये मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है, और उसके लिए हमको कॉन्फ़िग रजिस्टर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ये कमांड रन करनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके लिए अगर हमको रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमको क्या है, प्रिविलेज मोड पे जाना पड़ता है,
ठीक है, उसके बाद में फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ता है, यहाँ पे हमको इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी, अभी जब राउटर बूट किया है तो यहाँ पे 2102 है, 2102 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सो वर्जन की कमांड रन करता हूँ मैं फिर से, तो अभी आप देखिए यहाँ पे 2102 है, ठीक है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं 2104, तो यहाँ पे पैरामीटर है, लाइक अगर आप इसको 00 चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ की बात हो रही है इस जगह पे, तो ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बिट्स 3, 2, 1 और 0 सेट, हम ये बिट्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 00 करते हैं तो होगा क्या, तो ये मीनिंग इसका मतलब क्या है, यूज रोमन मोड मैनुअली बूट यूजिंग द बूट कमांड। तो अगर हम ये चेक करते हैं तो ये रोमन मोड पे चला जाएगा, तो मैनुअली हमको क्या है इसको बूटिंग मोड में जाएगा, मैनुअली बूट यूजिंग द बूट कमांड, हमको मैनुअली बूट कमांड रन करनी पड़ेगी। अगर इसको हम 0x करते हैं तो ऑटोमेटिकली बूट फ्रॉम रोम प्रोवाइड सिस्को आईएसओ सॉफ्टवेयर सबसेट, तो ये ऑटोमेटिक बूट पर रहेगा। उसके बाद में अगर हम इसको और चेंज करते हैं, लाइक एग्जामाइन, लाइक इसको 0x2 to 0x f करते हैं, तो एग्जामाइन एनवी रैम फॉर बूट सिस्टम कमांड्स, और ये जो x2 डिफॉल्ट इफ राउटर हैज फ्लैश, अगर इसमें फ्लैश मेमोरी है तो ये वाला डिफॉल्ट रहेगा ये शुरू के दो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैश क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और यही लिखा है कि देखिए सो वर्जन की कमांड रन करेगा तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। अब मैं एक और स्लाइड पे जाता हूँ, ये स्लाइड, तो जैसे कि हम पासवर्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं, आपने सपोज राउटर पे पासवर्ड लगाया है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, उस कंडीशन में अगर आप इनेबल मोड पे जाके पासवर्ड इनेबल की कमांड रन करते हैं और आपको पासवर्ड याद नहीं है तो इस तरीके से एरर देगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, सपोज हम इसी को एक कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाते हैं, इस पे जाके हम इनेबल सीक्रेट करके एक पासवर्ड लगा देता हूँ मैं, या मैंने इसको ऐड 1 2 3 करके दे दिया, ठीक है। यहाँ से एग्जिट करते हैं हम, इसको सेव कर देते हैं, मैंने सेव कर दिया। अब सपोज मैं इसको रीलोड करता हूँ, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तब तक हम ये देखते हैं। अब इसके बाद में होगा कि आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर करने के लिए क्या है, जैसे कि अभी मैं दिखाया था, बोलता हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लैश मेमोरी एनवी रैम में जाके सेव होता है। तो हर एक राउटर पे एक फ्लैश मेमोरी लगाने का, एक फ्लैश कार्ड लगाने का स्लॉट होता है, तो वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं, इसको हम निकाल सकते हैं और इसको फिर से लगा सकते हैं, तो हर एक राउटर पे ये रहेगा। जब हम पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम ये देखेंगे, तो इसको मैं स्पेलिंग रीलोड, ये है, ठीक है। अब रीलोड कर रहा हूँ मैं और मैं पासवर्ड भूल गया, तो क्या होगा, गलत पासवर्ड टाइप करूँगा, जैसे कि पासवर्ड भूल गए हैं हम। अब यहाँ पे देखिए मेरे को पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पता नहीं है तो मेरे को ये इस तरीके का एरर आया, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम इसको रिकवर कर सकते हैं, रिकवर मतलब रीसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप आपका तो जो स्विच है या तो फिर राउटर है उसको शट डाउन करिए। शट डाउन करने के बाद में आप उसको ये फ्लैश कार्ड को निकालिए। मेरे पास ये फिजिकल राउटर नहीं है, नहीं तो मैं फिजिकल राउटर पर दिखाता, लेकिन आपको मैं पूरा स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे इसको निकाल दिया है आपने, बड़ा ही सिंपल। उसके बाद में फिर क्या है, ये फ्लैश को निकाल दीजिए आप, ये जो फ्लैश है, उसके बाद में राउटर को फिर ऑन करिए। उसके बाद में जब राउटर ऑन होगा तो ये क्या है, ये प्रिविलेज मोड पर चले जाएगा। वंस द राउटर इज इन रोमन मोड, क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोड पर नहीं, रोमन मोड पर चला जाएगा। उसके बाद में फिर से आप उस कार्ड को लगाइए, री इंसर्ट द कॉम्पैक्ट फ्लैश। तो रोमन मोड क्या होता है, रोमन मोड होता है इस तरीके का, यहाँ पे आपको यहाँ पे रोमन ऐसे लिखा आता है, रोमन वन और ये ग्रेटर देन का साइन बना आता है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, आपने फ्लैश निकाल दिया, उसको फिर ऑन किया, वो इस मोड पे चला गया रीड ओनली मॉनिटरिंग मोड पे,
और आपने फिर से कार्ड लगा दिया। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बड़े आसानी से रीसेट हो जाता है। अब उसके बाद में क्या है, आपको फिर से ये पूछेगा वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। तो ये आपको यहाँ पे नो करना चाहिए, ये सेटअप मोड पे चला गया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अब आपको इस मोड पे जाके कमांड रन करनी पड़ेगी कॉन्फिग कॉन्फ्रेज करके। कॉन्फ्रेज करके आपको ये कमांड देने के बाद में फिर यहाँ पे ये चेंज करना होगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे 2142 आपको कॉन्फ्रेज करना पड़ेगा, यहाँ पे 0x2142। उसके बाद में रीसेट की कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे पास फिजिकल राउटर नहीं है तो मैं फ्लैश को यहाँ पे निकाल नहीं सकता और रोमन मोड पे नहीं जा सकता। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि रोमन मोड पे जाते हैं तो कैसे रहता है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखिए कॉन्फ टर्मिनल करके मैं यहाँ पे आप कॉन्फिगर रजिस्टर की कमांड करिए, मैं 0x0 कर रहा हूँ और ये उस मोड को मैंने कॉन्फिगर कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने एग्जिट WR करके मैं एग्जिट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो मैं उस मोड पे चला जाऊँगा। तो ये मेरा क्या है, मैनुअल मोड पे आ गया मैं। तो जब हम फ्लैश निकालेंगे तो हमको ये मोड पे हम ऑटोमेटिक जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वो उतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कॉन्फ्रेज करके हमने एक कमांड दे दी है, उसके बाद में 0x2142 कर दिए, अब इसको एंटर कर दिए, अब इसको हम रीसेट करते हैं। तो इसको रीसेट की और रीसेट का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, रीसेट करेंगे तो देखिए ये रीसेट हो रहा है ये। इसके बाद में हमको फिर सेटअप मोड पर चले जाएंगे हम। तो सेटअप मोड पे हमको इस तरीके से पूछेगा, फिर हम वहाँ पे इनेबल की कमांड रन कर सकते हैं, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, फिर से हमको कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाना पड़ेगा और फिर हम वहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए अभी हमारा ये क्या है, ये राउटर हमने यहाँ पे कमांड रन करी थी कौन सी, रीसेट की। तो रीसेट करके ये हमारा इस मोड पे आ गया है, इनेबल मोड पे। अब मैं फिर से यहाँ पे इसको इनेबल पे चला गया, ये इसलिए आ रहा है, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास अभी NVRAM से ये रीसेट करके अभी ये कॉन्फ़िगरेशन है NVRAM से आ रहा है, मेरे पास फ्लैश लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए सारा स्टेप फॉलो नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जैसा होना चाहिए। और मैं इस तरीके से इसको पासवर्ड लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आप फ्लैश निकालेंगे तो ये उस मोड पे जाएगा, बराबर जाएगा और आसानी से हम इस पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो जब आप उस इस मोड पे चले जाएंगे, सिर्फ आप इसको अभी ये भूल जाइए कि ऐसा क्यों आ रहा है, फिर आपको सेम चीज़ें वही करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे जाके आप यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। पासवर्ड रीसेट करने के बाद में आपको क्या है, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके जब आप पासवर्ड रीसेट कर देंगे तो फिर से आपको इस रजिस्टर को 2102 करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो गाइस ये बेसिक स्टेप है, इसमें इसको कैसे हम रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो लगेगा आपको, बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी क्या करते हैं क्या नहीं है, वो प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने आपको फिर से दिखाने की कोशिश करी है कि हम अगर उस रोमन मोड पे चले जाएंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटर का सिंबल आएगा और उसके बाद में क्या क्या होता जाता है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0x2102। तो गाइस आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आप कुछ भी सीखे होंगे इससे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में कुछ नया हम आगे सीखेंगे, कैसे ISO इमेज को हम राउटर पे इंस्टॉल करते हैं, कैसे बैकअप लेते हैं वगैरह वगैरह। तो जब तक के लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।